Hey there, I hope you all are doing absolutely fine. Let us discuss about the scope of victimology. We have already discussed about different types of victims, and I have made a separate playlist so that it could be more convenient for you to check them out equally. Description mein link diya hua hai, you can check it out once. Okay, so इंट्रोडक्शन पहले एक बार देख लेते हैं। विक्टिमोलॉजी को सबसे पहले फ्रेंच लॉयर बेंजामिन मेंडलसन ने 1947 में इंट्रोड्यूस किया था। इस टर्म की बात हो रही है राइट, विक्टिमोलॉजी की। विक्टिमोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो लीगल फील्ड में थोड़ा सा नया है। क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी आर कंपेरेटिवली मोर इज वॉट पीपल आर मोर फेमिलियर विथ, बट विक्टिमोलॉजी इज रादर क्वाइट न्यू एंड इमर्जिंग कॉन्सेप्ट इन दिस फील्ड। सबसे बड़ा रोल विक्टिमोलॉजी का क्या था पता है, कि विक्टिम पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है क्राइम का उसको समझना। सो अंडरस्टैंडिंग द होल सिनारियो फ्रॉम द विक्टिम्स पॉइंट ऑफ व्यू इज वॉट वी विल फोकस ऑन वेन वी स्टडी अबाउट द विक्टिमोलॉजी। इस फील्ड का मेन पर्पज था क्या करना, क्राइम को स्टडी करना फ्रॉम द विक्टिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इज स्टडी द क्राइम इन अ मैनर विच गिव्स इंपॉर्टेंस टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल ऑफ विक्टिम एंड इज ऑफेंडर। ठीक है, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द स्कोप ऑफ विक्टिमोलॉजी। विक्टिम जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्टली फॉरगेटन पार्टी होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। ठीक है, उस पर उतना ज़्यादा फोकस कभी कभी नहीं भी किया जाता है, तो किया तो जाता है, बट मेन फोकस क्या है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, क्रिमिनल को पनिश करना, विक्टिम को सिंपली जस्टिस दिलाने के खातिर। बट इज इट नेसेसरी कि जो पनिशमेंट क्रिमिनल को प्रोवाइड की जाती है उससे विक्टिम का जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो मोस्ट ऑफ द टाइम? नो, इट इज़ नॉट द केस, बिकॉज द डिग्री ऑफ हार्म दैट इज़ बीइंग कॉज टू द विक्टिम इज वे मोर ग्रेटर देन द पनिशमेंट दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द क्रिमिनल। ओके, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पेनल्टीज दैट द पनिशमेंट विच आर चार्ज टू द क्रिमिनल वुड हेल्प विक्टिम टू रिकवर हिज वाउंड्स। नो, इट माइट नॉट ऑलवेज बी द केस। ओके, विक्टिम्स जो रहते हैं उनका कहीं ना कहीं उनको चाहिए होता है कि उनके जो राइट्स हैं वो एक्नॉलेज किए जाएँ, पहचाने जाएँ, है ना। उनके जो वर्ड्स हैं उनको कहीं ना कहीं हाईलाइट किया जाए, उनका इशू जो भी कुछ था वो सब कुछ सामने लाया जाए। तो यही एक मेन पर्पस था विक्टिमोलॉजी का, है ना। विक्टिमोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने का ही पर्पस ये था। सबसे पहला स्कोप हम देखते हैं विक्टिमोलॉजी स्टडी ऑफ, हाँ जो मैंने बोला स्टार्टिंग में, क्या है ये, स्टडी ऑफ क्राइम फ्रॉम हूज POV, विक्टिम्स POV पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, कि विक्टिम ने किस नज़रिए से उस क्राइम को देखा, वो क्राइम उसके साथ हुआ तो एक्चुअली उसने क्या सफ़र किया, कैसे सफ़र किया, वेदर ही इज़ इन क्वाइट गुड कंडीशन और नॉट, या जो पेनल्टीज जो भी मिली, पनिशमेंट जो भी मिली क्रिमिनल को, वो उस विक्टिम के माइंड को क्या हील कर पा रहे हैं, उसके लॉस को कंपनसेट कर पा रहे हैं। बिकॉज इट नॉट नेसेसरी कि क्राइम हुआ है तो विक्टिम वुड सफ़र फिजिकली या फिनेंशियली, मेंटली भी वो सफ़र करता है। सो दिस आर ऑल द थिंग्स दैट वी नीड टू फोकस ऑन एंड विच इज़ वाई विक्टिमोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, स्टडी ऑफ क्राइम फ्रॉम विक्टिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, देर आर मैनी सेमिनार्स एंड स्टडी ऑफ विक्टिमोलॉजी एट द रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, बहुत से ऐसे सेमिनार्स कंडक्ट किए गए हैं जहाँ पे विक्टिम की प्रॉब्लम को हाईलाइट किया गया, कि आखिर उसको किस तरह से लीगल एड दी जाती है, किस तरह से कंपनसेट किया जाता है विक्टिम को फॉर द लॉस विच वॉट्स एवर द विक्टिम हैज सफर्ड। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पैराग्राफ। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द सेकेंड पॉइंट, जहाँ पे कहा जाता है कि विक्टिमोलॉजी क्या है, विक्टिम और ऑफेंडर के रिलेशनशिप का एनालिसिस होता है। ओके, एंड जो इंटरेक्शन होते हैं विक्टिम, एक विक्टिम और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बीच में, उन इंटरेक्शन की भी स्टडी विक्टिमोलॉजी में की जाती है। क्योंकि देखो, वी ऑल आर अवेयर विद द इंटरेक्शन बिटवीन द क्रिमिनल एंड द लीगल जस्टिस सिस्टम, बट आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर विद द इंटरेक्शन बिटवीन द विक्टिम एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सो इसका मेन फोकस ये भी होता है हाईलाइट करना, है ना, कि हाउ द विक्टिम इज गेटिंग एड। So the process of being victim involves two dimension, individual and societal as well. Victim individually तो suffer कर रहा होता है, but उसको society को भी face करना होता है ना। And we all know that victim shaming is a most common thing, especially when it comes to, you know, it is not about gender most of the time, but mainly the crime, in cases of crime against women,
women are first who are criminalized even after being victim, and the fingers are raised on their character on whatsoever the time they would go out of the home and certain parameters are set for them. So things like that happen whenever crime takes place, है ना. किसी का wallet चोरी हो गया कहा जाएगा तुम्हें देख के रखना चाहिए था, ठीक है. तो victim shaming बहुत ही common चीज़ होती है society में. We need to protect victim against them and this is what the study of victimology is all about, है ना. People need to understand that victim is not responsible for what has happened to him in most of the cases, because हम हमेशा mentally prepared नहीं हो सकते that something or other is gonna happen with us, a mishappening is gonna take place. Okay, so there are three interaction. Okay, victim होता है, एक prosecutor होता है, and rescuer होता है. प्रोसिक्यूटर का बेसिकली काम क्या होता है, विक्टिम को प्रोटेक्ट करना, एंड रेस्क्यूअर इज गोइंग टू डू द सेम थिंग विद द प्रोसिक्यूटर. नाउ विक्टिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड कंपनसेशन ऑफ द डैमेजेस कॉज्ड बाय द विक्टिम कॉज्ड टू द विक्टिम बाय द परपेटरेटर ऑफ क्राइम. जो भी चीज़ें विक्टिम के साथ हुई है अब किस तरह से उसे कंपनसेट किया जा रहा है, जो भी लॉसेस क्रिमिनल ने कॉज किए थे विक्टिम को उसको किस तरह से हम कंपनसेट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द विक्टिमोलॉजी, बिकॉज फोकस हैज़ टू बी डन ऑन दिस. ओके, तो वॉट आर ऑल दी लॉसेज दैट इज़ फेस्ड बाय द विक्टिम, अब किस तरह से उसको कंपनसेट किया जा रहा है, किस तरह से विक्टिम को रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जा रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पार्ट होती है विक्टिमोलॉजी के स्टडी का. विथ न्यू डेवलपमेंट ऑफ फील्ड ऑफ विक्टिमोलॉजी, ठीक है, तो विक्टिमोलॉजी जैसे डेवलप हो रहा है, विक्टिम का क्या रोल था क्राइम में, वो सब चीज़ को अब कहीं ना कहीं हाईलाइट किया जा रहा है, वो सब चीज़ अब लोगों के फोकस में आ चुकी है ना. जो भी प्रॉपर रिहैबिलिटेशन विक्टिम को दिया जाना चाहिए अब उन चीज़ों पे भी फोकस किया जा रहा है, कंपनसेशन किस तरह से दिया जा रहा है ना, उनके लॉसेस को किस तरह से पीपल आर ट्राइंग टू मेक गुड ऑफ देयर लॉसेस, वो सब चीज़ें जो हैं अब वो देखी जा रही हैं किस में, लीगल जस्टिस सिस्टम में. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द क्रिमिनल एंड द लीगल जस्टिस सिस्टम नाउ, है ना, इट इज़ नाउ इवन अबाउट द विक्टिम सिचुएशंस, विक्टिम की मेंटल हेल्थ एंड ओवरऑल थिंग्स. जो भी लॉसेस हैं विक्टिम को, जो भी हुए हैं, द वे विक्टिम हैज सफर्ड, वो हर चीज़ को अब कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाने लग गया है. और इतना ही नहीं, विक्टिम के जो रिलेटिव्स होंगे, जैसे कि विक्टिम्स ही प्राइमरी सेकेंडरी ऐसा टर्शरी बहुत से होते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ विक्टिम इन अनदर लेक्चर, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन एट दिस पॉइंट. बट देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बहुत से विक्टिम होते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, कोई पर्सन था, ठीक है, वो होल सोल ब्रेड अर्नर था अपनी फैमिली का, अब उसे कुछ हो जाता है, अगर सपोज किसी पर्सन की डेथ हो गई कोई एक्सीडेंट में, ठीक है, अब उसके पीछे जो भी उसकी फैमिली है हु आर नॉट कैपेबल ऑफ अर्निंग, तो उनका क्या होगा, है ना. सो इवन दे आर द विक्टिम टू दैट क्राइम, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली द पर्सन हु हैज सफर्ड द एक्सीडेंट इज विक्टिम ऑफ द क्राइम, बट उसकी फैमिली एंड अदर पर्सन हु आर रिलेटेड टू हिम इन सम और अदर वे आर ऑल्सो द विक्टिम ऑफ क्राइम. तो उन सब विक्टिम्स का, हर एक विक्टिम, बीट प्राइमरी बीट सेकेंडरी, चाहे वो डायरेक्टली इफेक्ट हो या इनडायरेक्टली इफेक्ट हो, हर चीज़ को देखना इज होल सोल ड्यूटी ऑफ विक्टिमोलॉजी, विच इज़ वाई वी आर स्टडिंग विक्टिमोलॉजी. पर्पज़ क्या है विक्टिमोलॉजी का स्टडी करने का, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट बिफोर यू प्रोसीड विद द स्टडी ऑफ द विक्टिमोलॉजी. वेन वी लुक एट क्लिनिकल विक्टिमोलॉजी वर्क, ट्रीटमेंट विक्टिम का, किस तरह से विक्टिम का ट्रीटमेंट हो रहा है, किस तरह से उसे रिहैब कर किया जा रहा है ना, उसे मतलब एक सेपरेट अच्छी मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी इसमें देखी जाती हैं. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट विक्टिम जो है उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, वॉट आर दी मेंटल प्रॉब्लम्स दैट ही वुड बी फेसिंग. इसके अलावा भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, है ना, जो भी चीज़ें प्रोसीजर होता है क्रिमिनल को सज़ा दिलाने का, वो सब भी, तो क्या इज़ इट स्ट्रेसफुल फॉर विक्टिम एज वेल, ये किस तरह से ये पूरी प्रोसीडिंग्स विक्टिम को अफेक्ट कर रही हैं, वो सब चीज़ भी देखा जाता है. या तो कौन सा ऐसा प्रोसीजर है, कौन सा ऐसा पोर्शन है इन्वेस्टिगेशन का, विक्टिम को वो किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, ये हर छोटी छोटी बारीकियों की स्टडी हम करते हैं विक्टिमोलॉजी में. ओके, तो आई होप इतना एक ओवरव्यू आपके लिए काफ़ी था. And these are the some scopes of victimology. किसी भी चीज़ का स्कोप जानना मतलब क्या, फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू नो व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ स्टडिंग बायोलॉजी, ओके, तो बायोलॉजी में क्या क्या करियर ऑप्शन है, यू वुड लुक एट दैट एंड स्टफ लाइक दैट, यू विल सर्च फॉर इट. इसको पढ़ने के बाद
कहाँ कहाँ आप अपनी स्किल्स को डिप्लॉय कर सकते हो, है ना। दिस आर द थिंग्स। सिमिलरली हमने अभी देखा कि विक्टिमोलॉजी को पढ़ने का क्या आखिर रीज़न है, व्हाट आर द स्कोप्स, कौन कौन से एरियाज हैं जो वो कवर करता है। ओके, सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो एंड जो भी डाउट्स थे वो क्लैरिफाई हो गए हों। इन केस यू स्टिल हैव सम डाउट, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच।